एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिनभर की स्पेस और डिफेंस न्यूज़ की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर में बात करेंगे गलवन रिवर पे, गलवन वैली में जो 15 जून को हुआ उससे कुछ और नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अब यह पता चल रहा है कि भारतीय आर्मी पे अंबुश लगाया गया था और इस अंबुश के तहत ही इतनी ज्यादा जो हमारी लोगों की जान गई है वो इस अंबुश के तहत ही हुआ है। क्या हुई थी पूरी प्रक्रिया, कुछ और अपडेट उसमें निकलकर सामने आई है। जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो डी एस्केलेशन चल रहा था उसमें उस रात को हमारे सीईओ कुछ लोगों को लेकर ये चेक करने गए थे कि चाइनीज लोग डी एस्केलेशन कर रहे हैं कि नहीं, और वहां जब वो चेक करने लगे और मैंने आपको बताया था कि कुछ स्ट्रक्चर को नष्ट करने लगे, तब कुछ ऊंचाई पर ऐसा पता लगा कि वहां से कुछ पत्थरबाजी हो रही है। इसके अलावा नीचे भी कुछ ट्रूप्स था और उनको यह पता था कि भारत की पेट्रोलिंग पार्टी आ रही है, उस पर अटैक करना है। हालांकि फिर भारत को भी दूसरी पेट्रोलिंग पार्टी ने ज्वाइन किया और संख्या भारत की बढ़ गई, पर इतनी नहीं बढ़ सकी जितनी की चाइनीज लोगों की थी। ये कहा जा रहा है कि ऊंचाई पर उन्होंने कुछ इस प्रकार का या तो सिस्टम लगा लिया था जिससे कि वो हमारी मूवमेंट को पता कर रहे थे, इसके अलावा या वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे कि उनको हमारी मूवमेंट का पता लग रहा था। और कहा जा रहा है एक अनुमान के मुताबिक कुछ चाइनीज लोग 800 के लगभग हो गए थे। 800 चाइनीज सैनिकों के सामने हमारे 150 भारतीय जवान थे और तब जाके ये हाथापाई हुई। तो यहां पर दो चीजें निकलकर सामने आई कि वो ऊंचाई पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है और जिससे कि वो हमारे ट्रूप्स पर हमला कर पा रहे हैं, और उसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं कि ऊंचाई पर ये हाथापाई हुई और उसके बाद कुछ हमारे जवान गलवन रिवर में गिरे, उनके जवान भी गलवन रिवर में गिरे और हाथापाई के दौरान भी मृत्यु हुई है। अभी तक चाइना ने अपना कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, पर एक अनुमान के मुताबिक 40 स्ट्रेचर देखे गए थे। जब सुबह उनके सैनिकों को उठाया जा रहा था तो 40 स्ट्रेचर देखा गया था कि उनको 40 स्ट्रेचर के माध्यम से उठाया गया है। इससे यह साफ साफ साबित होता है कि जो कुछ 40 लोग थे ऐसे, उनके ऐसे सैनिक थे जो कि अपने पैरों पर चलने लायक नहीं थे, या वो मृत हो चुके थे या वो इंजर्ड थे इतना ज्यादा कि वो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं थे, उनको स्ट्रेचर के माध्यम से ले जाया जा रहा था। इसके अलावा भी कुछ ऐसे घायल थे जिनको सहारा दे के ले जाया जा सक रहा था, पर जो 40 लोग थे 40 स्ट्रेचर की वहां पर आवश्यकता पड़ी थी। वहीं अपने जो घायलों की बात की जाए तो अभी 76 लोगों का इलाज चल रहा है कमांड हॉस्पिटल में लेह में, और 18 लोग गंभीर रूप से घायल थे, 18 जवान हमारे गंभीर रूप से घायल थे, पर अब ये कहा जा रहा है कि वो खतरे से बाहर हैं, और 56 हमारे जवानों को माइनर इंजरी हुई है जो कि अभी कुछ दिनों बाद ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें निकलकर सामने आती है। जो ये कहा जा रहा था कि भारत की ट्रूप बिल्डिंग वहां पर मिरर हो चुकी है, चाइना की हमने बराबरी कर ली है, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि वहां पर डीएस्केलेशन हो चुका था और भारत ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उतनी ज्यादा संख्या में फिर से चाइनीज वापस आ जाएंगे, तो हो सकता है कि इस कारण भी ये जो धोखा हमारे साथ हुआ है, एम्बुश हुआ है, वो चाइनीज लोगों के द्वारा किया गया। इसके अलावा यह भी बात उठ रही है कि जब वहां पर हमारे जवानों की और हमारे कमांडिंग ऑफिसर की जब जान पर बात आ गई थी तब उन्होंने फायरिंग क्यों नहीं की। यही चीज राहुल गांधी ने भी उठाया, तो इस पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर का जवाब ये सामने आया है कि 1996 और 2005 के जो हमारा करार है उसके अनुसार 2 किलोमीटर के अंदर हमें कोई भी फायर करने की अनुमति नहीं होती है। 1996 का ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, उसमें कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनमें ये बताया गया कि क्या क्या चीज करनी है और क्या क्या चीज नहीं करनी है। उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि फायर आर्म्स नहीं ले जाया जा सकता है। तो वहां पर फायर आर्म्स ले जाया जा सकता हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, पर फायर करने की कोई भी अनुमति नहीं थी। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि यदि इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तुरंत अपने डिप्लोमेट से बात करनी है और वहां पर जो भी करीबी डिप्लोमेट्स हैं उनसे बात करके इस चीज को सॉल्व करना है और यह चीज उनके संज्ञान में लाना है, पर किसी भी प्रकार का फायर वहां पर नहीं करना है। हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने जो राहुल गांधी को जवाब दिया वो यही जवाब दिया है कि जो हमारे ट्रूप्स थे उनके पास हथियार थे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो राहुल गांधी का प्रश्न था कि अनआर्म्ड लोगों को क्यों भेज दिया गया, हमारे ट्रूप्स को हथियार क्यों नहीं दिए गए, तो उस पर उन्होंने यही रिप्लाई में दिया है कि उनके पास हथियार थे पर चलाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि इस प्रकार का करार था। तो यहाँ पर दो कंडीशन पैदा होती है कि हथियार थे उनके पास या नहीं थे। तो यदि हथियार थे तो जान को इतना ज्यादा जोखिम होने के बावजूद उन्होंने अगर बंदूक नहीं चलाई है, अगर फायर नहीं किया है, तो ये बहुत ज्यादा
दिलेरी की बात है और यह एस्केलेशन ना हो या युद्ध के कोई सिनारियो ना बने, इस चीज को देखते हुए हमारे जवानों ने ऐसा नहीं किया होगा। और यदि हथियार उनके पास नहीं थे तो वह इस एग्रीमेंट के कारण ना हो सकते होंगे, क्योंकि कभी भी इस एग्रीमेंट के मुताबिक वहां फायर आर्म्स इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए हो सकता है कि उनके द्वारा इसको कैरी भी नहीं किया जाता होगा, पर उनको क्या पता था कि चाइनीज लोग धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई है जिसमें की कील लगी हुई फोटो दिखाई गई है, रॉड्स में कील लगी हुई फोटो दिखाई गई है, और ये कहा गया है कि इस प्रकार के हथियार चाइनीजों ने इस्तेमाल किए थे। पर कुछ रिपोर्टर्स ने इसका खंडन किया और कहा है कि आर्मी सोर्सों ने बताया कि यह जो फोटो है वो उस प्रकार के हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए थे, पर इससे मिलते जुलते हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, पर यह जो फोटो में हथियार है वो नहीं इस्तेमाल हुआ है। वही बात करें इन हथियारों से बचने के लिए, तो भारत ने आज ही 500 इस प्रकार के रायट्स कंट्रोल किट भारतीय आर्मी को प्रोवाइड किए हैं। मुंबई से इसको एयरलिफ्ट किया गया है और 500 हमारे जवानों को इस प्रकार के रायट्स कंट्रोल किट दे दिए गए हैं, जिन पर धारदार हथियारों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये पॉलीकार्बोनेट के बने हुए हैं और इसके माध्यम से उनको सुरक्षा आसानी से मिल पाएगी। इसके अलावा उनको उसी प्रकार के हथियार जो कि कांटीले तारों से लगे हुए क्लब्स हों या इस तरह की चीजें प्रोवाइड की जा रही है, कुछ लोगों का कहना है, ताकि वह भी उसका भरपूर जवाब दे सकें। जो चाइनीज अग्रेशन हो रहा है उसका भरपूर जवाब वो दे सकें। तो मेरा यहाँ पे प्रश्न यह है कि जब पेंगोंग शो लेक में इसी प्रकार की झड़प हुई थी, वहां पे भी माना जा रहा था कि कटीले तारों वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर हम क्यों चूक गए? हमें क्यों नहीं पता था कि चाइना ने इस प्रकार की चीजें स्टार्ट कर दी है? और यदि वो एक लोकेशन पे इस प्रकार की चीज कर सकते हैं तो वो किसी भी लोकेशन पे कर सकते हैं इस प्रकार की चीज। ये हमारे ट्रूप्स को पता होना चाहिए था और इस चीज की पहले से तैयारी होनी चाहिए थी, इस प्रकार का आकलन पहले से होना चाहिए था। और हो सकता है, हम यहाँ बैठे नहीं जानते, हो सकता है आर्मी ने इसके लिए तैयारी की हो और तभी जाके हमने इतने चाइनीजों को मार गिराया है। जो 40 स्ट्रेचर दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 30-40 उनके जवान भी मारे गए हैं। और हालांकि उन्होंने संख्या तो कबूल नहीं की है, पर मारे जाने की बात जरूर कबूल की है। वहीं एक और खबर उड़ी हुई थी कि हमारे कुछ लोग चाइनीज आर्मी के कब्जे में हैं और कुछ लोग अभी भी गायब बताए जा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो उस झड़प में शामिल हुए हमारे जो भारतीय आर्मी के लोग थे उनमें से कोई भी गायब अब नहीं है। जितने भी लोग हैं वो सब मिल चुके हैं, सब रिसीव हो चुके हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस प्रकार के कोई भी ट्रूप्स हमारे गायब नहीं हैं। इसके अलावा एक और खबर उड़ी हुई है कि हम इमरजेंसी परचेज के तहत कुछ एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। 33 की संख्या में एयरक्राफ्ट हम रशिया से खरीद रहे हैं, जिसमें की 12 SU-30 होने वाले हैं और 21 MiG-29 होने वाले हैं। तो ये इमरजेंसी परचेस के तहत हम नहीं खरीद रहे हैं। इसकी खबरें मैंने आपको 1.5 साल पहले ही बताई हुई है। जो ये 12 एयरक्राफ्ट, जो 12 SU-30 एयरक्राफ्ट हैं, वो हम इसलिए खरीद रहे हैं कि जो 272 SU-30 MKI का कॉन्ट्रैक्ट रशिया को दिया गया था उसमें उसको प्राप्त होते होते कुछ एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्टों की कमी पूरा करने के लिए इस 12 एयरक्राफ्ट हम खरीद रहे हैं, SU-30 MKI एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। इसके अलावा रशिया ने अपने पुराने पर बिना यूज किए हुए MiG-29 को भारत को देने की जो पेशकश थी वो बहुत पहले की हुई थी। भारत ने इसकी कंडीशन भी चेक करी और इसको लंबे समय तक उड़ने योग्य पाया। इसलिए इंडियन एयरफोर्स अगले हफ्ते एक बड़ी मीटिंग में इसको खरीदने का प्रपोजल सामने रखेगी और उसको अंतिम रूप देने का प्रयास करेगी। तो इमरजेंसी परचेस के तहत तो नहीं खरीदा जा रहा, इसके लिए बहुत पहले से तैयारी की गई होगी, पर हो सकता है कि इसको फास्ट ट्रैक किया गया है चाइना से युद्ध का माहौल देखते हुए। वहीं 23 जून को एक मीटिंग होने वाली है जो कि भारत, रशिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में होने वाली है और ये एक वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। पहले ये माना जा रहा था कि भारत, हो सकता है कि जो चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ है, जो झड़प हुई है दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच में, उस कारण से भारत इसमें भाग नहीं लेगा। पर आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर कर दिया है कि 23 जून को होने वाली इस मीटिंग जो कि वर्चुअल मीटिंग है उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर भाग लेने वाले हैं। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि चीन के हैवी व्हीकल्स, कुछ 4 लोकेशन जहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा है, वहां पर हैवी व्हीकल्स और हैवी ट्रूप्स देखने को मिल रहे हैं और वो लगातार बिल्डअप को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड आज मीटिंग होने वाली थी और 3 दिनों से लगातार मीटिंग हो रही है, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हो रही है और आज की मीटिंग भी असफल रही है। दोनों ही देश पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है और वहां पर स्टैंड ऑफ अभी भी जारी रहेगा। पुरानी मीटिंग भी असफल हुई थी, कल की मीटिंग भी असफल हुई थी और आज की मीटिंग भी असफल ही कही जा रही है। तो कोई भी अभी डीएस्केलेशन नहीं होने वाला है। दोनों ही देश बातचीत के आड़ में अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और जब
भारत की तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी, चाइना की तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी, एक जोर आजमाइश तो मुझे लगता है जरूर होगी, और उसमें जिसका प्रेशर कम पाया जाएगा टेबल पे उसी का प्रेशर कम होगा और वही बैकफुट पे नजर आएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।